उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस पर देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई हैं। बता दें कि राज्य स्थापना दिवस पर सीएम दाहमी ने सभी को बधाई दी है। सभी अमर शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों को मैं नमन करता हूँ। उन्होंने कहा कि सभी उत्तराखंड वासियों की सुख समृद्धि की मैं कामना करता हूँ। राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है। कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल भी मौजूद रहे हैं। तो इस खास अवसर पर आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई और उन्होंने प्रदेशवासियों को इस खास अवसर पर बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने शहीद आंदोलनकारियों को भी याद किया है और उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश के लोगों की सुख समृद्धि के लिए कामना करता हूँ। उत्तराखंड की महिलाओं ने पूरे देश के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के बेटी वंदना कटारिया ने एशियन गेम में शानदार प्रदर्शन किया था। ऐसे महिलाओं ने उत्तराखंड की संस्कृति को मजबूत बनाया है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को अनुमति प्रदान करते समय मुझे विशेष प्रसन्नता हुई थी, क्योंकि अधिनियम उत्तराखंड सहित हमारे देश की बहनों और बेटियों के लिए राष्ट्र निर्माण में उच्च स्तरीय योगदान देने हेतु मार्ग प्रस्तुत करता है। उत्तराखंड की ये भूमि वीर प्रसवा रही है। स्वाधीनता के बाद के सभी युद्धों में उत्तराखंड के वीरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं उन सभी वीरों को और वीर भूमि उत्तराखंड को नमन करती हूँ। भारतीय सेना ने शामिल होकर भारत माता की रक्षा करने में यहाँ के युवा गर्व की अनुभव करते हैं। राष्ट्र की रक्षा के प्रति उत्साह का ये भाव सभी देशवासियों के लिए अनुकरणीय है। हमारी थल सेना के दो रेजिमेंट्स, कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का नाम उत्तराखंड के क्षेत्र के आधार पर रखा गया है। ये उत्तराखंड की शौर्य परंपरा को रेखांकित करता है। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी इसी धरती के सपूत थे। हमारे वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी उत्तराखंड की ही निवासी है। देवियों और स्वजनों, उत्तराखंड की फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी निरंतर बढ़ाई, पारदर्शी और प्रोएक्टिव पुलिसिंग को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। महिला सुरक्षा, बालिका सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए अपराधों का नियंत्रण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। महामहिम राष्ट्रपति जी, आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आज उत्तराखंड विकास के कई पैमानों पर देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। विकास और समृद्धि के सपनों के साथ राज्य के लोगों ने इन 23 वर्षों में नए उत्तराखंड को पुष्पित, पल्लवित और विकसित होते हुए देखा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई अवसरों पर कहा है कि 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। हमारा प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। सीमांत गांव हमारे देश के पहले गांव बन गए हैं। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तराखंड की इस पवित्र धरती पर देश विदेश के कोने कोने से लोग यात्रा करने आते हैं। इस वर्ष 55 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चार धामों और पवित्र श्री हेमकुंड साहब के दर्शन किए हैं। यह हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। राज्य प्रशासन द्वारा कांवड़ यात्रा में भी 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का सफल प्रबंधन किया गया है। आदि कैलाश और जागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री जी के भ्रमण से मानसखंड क्षेत्र को देश और दुनिया में
एक नई पहचान मिली है। इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में भारत द्वारा वसुदेव कुटुंबकम की थीम पर वैश्विक G20 सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। उत्तराखंड ने भी अपनी भागीदारी निभाते हुए 3 सम्मेलनों का आयोजन बड़ी सफलता के साथ संपन्न किया। हम सब जानते हैं आदरणीय राष्ट्रपति जी, आपका अत्यंत कठिन जीवन संघर्ष, आपका अदम्य साहस और आपकी प्रेरणास्पद राजनीतिक यात्रा हर एक भारतीय को प्रेरित करती है। आपकी जीवन यात्रा हम सबके लिए इसलिए भी प्रेरणादायी है क्योंकि आपने अपने जीवन में आई समस्त कठिनाइयों को अपनी शक्ति बनाकर जीवन समर में विजयश्री प्राप्त की है। आप भारतवर्ष के समस्त नागरिकों, विशेष रूप से गरीबों, शोषितों और वंचितों और समाज के अंतिम छोर में रहने वाले सभी के लिए आप आशा की किरण हैं। मैं आपकी जीवटता, आपकी समर्पण शक्ति को हृदय से प्रणाम करता हूं। आप सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है। आपने अपने जीवन में सदा कर्म प्रधान विश्वकर्मी राखा के सिद्धांत को सर्वोपरि माना है और विकट परिस्थितियों में भी, कठिन परिस्थितियों में भी आपने अपने विनम्रतापूर्व आचरण को बनाए रखा। आप सदैव सादा जीवन, उच्च विचार के मूल मंत्र पर चलती रही हैं और यही कारण है कि आज जन जन के भीतर यही भाव है कि उनके बीच से निकली एक आम महिला देश की प्रथम नागरिक है। समय कम है इसलिए मैं बहुत अधिक न बोलते हुए इतना कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मैं और मेरी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जनता के प्रति जवाबदेह है, भरोसेमंद है तथा अपने कार्य में दक्ष है। 23 वर्षों में पहली बार बहुत सारे काम हुए हैं। 23 वर्षों में पहली बार भर्तियों में घोटाले करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए हमने प्रदेश के अंदर सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। 23 वर्षों में पहली बार धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लागू किया गया है और इन 23 वर्षों में ही हमने लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है। 23 वर्षों में पहली बार उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने के लिए तैयारी की जा रही है। पहली बार प्रदेश की महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। पहली बार भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। इन 23 वर्षों में पहली बार राजस्व पुलिस की जगह रेगुलर पुलिस की तैनाती की जा रही है। पहली बार आपदा प्रबंधन पर विश्व स्तरीय कार्यक्रम उत्तराखंड में होने जा रहा है और 23 वर्षों में पहली बार उत्तराखंड डेस्टिनेशन के रूप में निवेश का हब बनने जा रहा है।